और बता कैसी है? सही है यार, आईआईटी मिल गया तुझे तो। आईआईटी रुड़की, बहुत बढ़िया यार। और उसको क्या मिला? उसको एनआईटी इलाहाबाद मिला है। सही है यार। नहीं, एनआईटी ट्रिची भी बहुत अच्छा कॉलेज है यार, ऑब्वियसली अच्छा है वो। हाँ यार सही है, तुम लोग तो आईआईटी एनआईटी वाले हो गए हो, और बाकी कॉलेज भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, चलो पैकिंग करने जा रही हो? ठीक है ठीक है, कर लो पैकिंग। ओके ओके, मिलते हैं बाद में, बाय बाय। तो अब हो चुकी है ऑनलाइन रिपोर्टिंग ख़त्म, और कुछ लोगों की ऑनलाइन रिपोर्टिंग अभी भी चल रही होगी, बट अभी बारी है हमारी पैकिंग की, क्योंकि आने वाली है हमारी फिजिकल रिपोर्टिंग। तो उसके लिए आप जाओगे कॉलेज, और आपको होगा अच्छा सा हॉस्टल अलॉट। अब वो हॉस्टल अच्छा होगा या कैसा होगा वो आपको वहीं जाके पता चलने वाला है, लेकिन ये वाला वीडियो काफ़ी अच्छा होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं बताऊँगी आपको एक बजट फ्रेंडली पैकिंग के बारे में, क्योंकि ऑलरेडी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा लग गई है आप लोगों की, तो थोड़े से पैसे को मेंटेन करते हुए एक बजट फ्रेंडली पैकिंग कर लेते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, और अगर इस चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, और अब इस वीडियो को देखो पूरा। तो चलो शुरू करते हैं सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स से, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स के बिना आपको हॉस्टल अलॉट नहीं होगा, और फिजिकल रिपोर्टिंग के सारे डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता चुकी एक वीडियो में, तो आप जाके वो वाला वीडियो ज़रूर देखना, मैं एंड में लगा दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी उसको दे दूंगी। देन अब आपकी बारी आती है हॉस्टल के उस डॉक्यूमेंट्स की, तो आप अपने बेसिक से डॉक्यूमेंट्स रख लीजिएगा, और हॉस्टल के बाकी के डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो अब सारे डॉक्यूमेंट्स के बाद हम बात कर लेते हैं हमारे हॉस्टल की चीज़ों की, जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले आती है हमारे बेडिंग्स, क्योंकि आपको बेड मिल जाएगा और हमारी टॉयलेटरीज की। तो बेडिंग्स के लिए आपको चाहिए होगा बेडशीट, पिलो कवर, ब्लैंकेट, विंटर ब्लैंकेट जो कि पतला वाला आता है, क्योंकि कभी कभी मौसम थोड़ा डाउन हो जाता है, बिगड़ जाता है, तो अगर आपकी हेल्थ में कोई इशू आ जाता है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभार फीवर आ जाता है तो थोड़ा सही रहता है विंटर ब्लैंकेट के लिए। और आप मॉस्किटोज के लिए ले जा सकते हो आपने गुड नाइट, क्योंकि कभी कभी वहाँ पर मच्छर भी होते हैं, तो सही रहेगा आप अपने हेल्थ के लिए गुड नाइट भी ले जा सकते हैं। और अब हम बात करते हैं कि आपको अपनी टॉयलेटरीज में क्या ले जाना होगा। तो आप बकेट, मग, सोप्स, सोप्स में आपको जो भी यूज़ करना हो, या फिर बॉडी वॉश और सोप किट ले जा सकते हैं, आप लोफा ले जा सकते हैं, ब्रश ले जा सकते हैं कपड़े वाला, और टूथपेस्ट, टूथब्रश और हैंड वॉश इज़ मस्ट। और अगर आपको नहीं मिल रहा है अभी तो आप हॉस्टल में भी आप ख़रीद सकते हैं वहाँ से ये सब सामान। तो अब हम बात करते हैं हमारे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ों की, जो कि है कॉस्मेटिक्स और स्टेशनरी। तो कॉस्मेटिक्स में आप ले जा सकते हैं कॉम्प, मिरर, बॉडी लोशन, मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन पाउडर और समर पाउडर जो भी होते हैं, कभी गर्मी में हमें घमोरियाँ हो जाती हैं तो उसके लिए भी हमें सही रहेगा, तो आप वो ले जा सकते हैं। और डेटॉल, और मोस्ट अवेटेड यहाँ पर है एक फ़र्स्ट एड भी आपको ले जाना ज़रूरी होता है, क्योंकि फ़र्स्ट एड बाई चांस आपको बीमार पड़ गया फर्स्ट डे जाके, या फिर कुछ हो गया तो रात में अगर आपको टैबलेट्स या किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो आप वो ले सकें। तो फर्स्ट एड में आप ले सकते हैं पैरासीटामोल, पेट दर्द की कोई दवाई, और झंडू बाम, बिक्स, और बिक्स का जो सिरप आता है वो, और कफ सिरप आता है वो, तो आप ये सब भी ले जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे स्टेशनरी की। तो स्टेशनरी में हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट है लैपटॉप, और अगर बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि लैपटॉप स्टार्टिंग में लेना ज़रूरी है या नहीं, तो आप देख सकते हैं अगर आपको लैपटॉप अभी लेके नहीं जाना है डायरेक्ट, तो आप एक या दो वीक बाद आपको खुद ही वहाँ पे दिखाई दे जाएगा कि मुझे लैपटॉप की कितनी नीड है, तो आप तब ख़रीद सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं नहीं मुझे अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन स्पेशली अगर आप कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर रिलेटेड सब्जेक्ट आपके होने वाले हैं, आप किसी भी ब्रांच से हैं इस तरीके की, तो आपको लैपटॉप थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आपकी क्लास में भी आपको उस तरीके का असाइनमेंट दिया जाएगा जिसमें आपको लैपटॉप का ज़रूरत पड़ने वाला है। और जो लोग अभी से सोच रहे हैं कि मैं फ़र्स्ट ईयर से कोडिंग स्टार्ट करने जा रहा हूँ, या फिर आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है वेब डी पर, आपको डेवलपमेंट सीखना है, तो उसके लिए आपको लैपटॉप की ज़रूरत ज़रूर पड़ने वाली है, तो आप लैपटॉप ले सकते हैं। लैपटॉप के साथ साथ आपको लेनी होगी नोटबुक्स, क्योंकि आपको बुक्स के लिए वहाँ पर लाइब्रेरी रहती है, तो बुक्स आप लाइब्रेरी से इशू करा सकते हैं। और अगर आप लाइब्रेरी से इशू नहीं कराना चाहते तो आपके सीनियर से आप कॉन्टैक्ट करके कोई बुक्स उनसे ख़रीद भी सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द बच्चे लाइब्रेरी से इशू कराते हैं, और अगर नहीं कराते हैं तो लैपटॉप में पीडीएफ रहता है, पीडीएफ से ही हम अपना एग्ज़ाम की तैयारी कर लेते हैं। और पेन, पेंसिल, बॉक्स ये सब ले जा सकते हैं। और अगर आपके पास यदि स्टडी टेबल है और स्टडी लैम्प है
तो आप वो भी ले जा सकते हैं, क्योंकि समटाइम्स आपका जो पार्टनर होता है उसको जल्दी सोने की आदत होती है और आपको रात तक पढ़ने की आदत होती है, तो विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, एनी लड़ाई झगड़ा, आप उसकी लाइट बंद कर सकते हैं और अपने टेबल लैम्प से रात में अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी स्टेशनरी का भी लिस्ट ख़त्म होता है। अब हम बात करते हैं हमारे क्लोथ्स की, तो हमें क्लोथ्स में क्या क्या ले जाना चाहिए। तो क्लोथ्स में आप जीन्स ले जाइए, टी शर्ट ले जाइए, टॉप ले जाइए, कुर्तीज़ ले जाइए, और कभी कभी होता है कि वहाँ पर कोई फंक्शन हो रहा है तो बॉयज़ कुर्ता रख सकते हैं और गर्ल्स अपने लिए सूट या साड़ी रख सकती हैं, जो भी उन्हें वहाँ पर पहनना सही लगे। और कुर्ती या लेगी, सूट, प्लाजो, ये सब आप ले सकते हो वहाँ पर। और आप सॉक्स ले जाइए, शूज़ ले जाइए, अगर आप जिम जाना चाहते हैं तो आप जिम्स के क्लॉथ भी ले जा सकते हैं और शूज़ ले जा सकते हैं जिम वाले। और बाकी अगर आप स्पोर्ट्स में हैं तो आप अपनी स्पोर्ट्स किट ले जा सकते हैं, जब भी आपको यहीं से मिली होगी या आपने कहीं अवार्ड आपको जीता होगा, आपको किट जरूर मिली होगी वहाँ से, और आपको ले जाने हैं स्पोर्ट्स शूज़ अगर आपको स्पोर्ट्स में जाना है तो। अब हमारी बारी आती है कि हमें स्नैक्स में क्या ले जाना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली सभी लोगों का एक रहता है कि यार हॉस्टल जा रहे हैं, मम्मी के हाथ का कुछ तो होना चाहिए हमारे पास खाने के लिए, जिससे कि अगर हमें खाना अच्छा नहीं मिला वहाँ पर एक दिन, तब तो चलो बाहर से मंगा लिया या कुछ भी हो गया, क्योंकि ईजिली डिलीवरी हो जाती है कैंपस में, खासकर ऐसे कैंपस में काफ़ी ईजी हो जाती है। लेकिन अगर आपको तब भी मम्मी के हाथ का कुछ अच्छा सा चाहिए जो आपको घर पर भी काफ़ी पसंद रहता है, तो आप ले सकते हैं, जैसे हो गया लड्डू, मटरी, नमकीन हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गए। ड्राई फ्रूट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होते हैं। और आप इंस्टेंट चीज़ें ले जा सकते हैं, जो कि इंस्टेंट पोहा हो गया, इंस्टेंट उपमा हो गया, इसमें आपने गर्म पानी डाला और वो तैयार हो गया। और आप ले जा सकते हैं मैगी। तो अगर यहाँ पर बात होती है मैगी की, तो हम ज़रूर यहाँ बात करने वाले हैं कैटल की, क्योंकि कैटल भी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि हम कैटल ले जाएँ या नहीं। तो स्टार्टिंग में आप कैटल ले जा सकते हैं, लेकिन आप उसको ज़्यादा ऐसा दिखाकर यूज़ मत करना, क्योंकि जो भी ऑब्जर्वर होते हैं हॉस्टल के, वो लोग पहले स्टार्टिंग में मना करते हैं, लेकिन हॉस्टल में सभी लोग कैटल रखते हैं, तो आप कैटल भी ले जा सकते हो। ये आपका एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो गया, जो कि आप नाम हो गया आपका कैटल, और एक हो गया आपका आयरन। और गर्ल्स के लिए जो लोग भी स्ट्रेटनर या हेयर ड्रायर यूज़ करते हैं, आप वो भी ले जा सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में उसको ज़्यादा रिवील मत करना, वरना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, वो अपने पास रख लेते हैं, फाइन वाइन लगा देते हैं। आप उसको अपना रख के लिए थोड़ा यूज़ करना धीरे धीरे, इस तरीके से आप उसको ले जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी डेकोरेशन की, क्योंकि हॉस्टल इज़ द न्यू होम यार, मतलब घर पे रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, घर तो घर ही होता है, लेकिन अगर हम जाते हैं अपने हॉस्टल में, हर एक किसी का एक सपना होता है, और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है अपने हॉस्टल को रूम डेकोरेट करना, तो उसके लिए आप ले जा सकते हैं कर्टेंस। और आजकल काफ़ी सारे सामान आते हैं, आपको खुद ही पता होगा, आई नो। और लाइट्स वगैरह ले जा सकते हैं, फैमिली का फोटो ले जा सकते हैं, टेबल लैम्प आते हैं, और काफ़ी अच्छी लाइट्स वगैरह आती हैं स्लो डाउन वाली, काफ़ी अच्छी। और एक एस्ट्रोनॉट भी आता है, वो रात में ऐसे होता है, काफ़ी अच्छा सही रहता है वो। और आप ले जा सकते हैं ड्रीम कैचर, क्योंकि वो आपकी बॉडी पर काफ़ी अच्छी होती है। और बाकी आप अपने हिसाब से पोस्टर ले जा सकते हैं, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, आप देखो यूट्यूब चैनल पर जिसके भी वो सभी के वॉल पर पोस्टर्स लगे हुए हैं, उनको पोस्टर्स बहुत शौक है पोस्टर्स का, तो आप ये भी ले जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे चीज़ों की जो कि थोड़ी सी अंडररेटेड है लेकिन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो वो है हमारे कुछ बर्तन। लाइक हम एक ग्लास, कप, कॉफ़ी मग, ये सब ले जा सकते हैं, जिससे कि अगर हम कुछ खा रहे हैं या फिर हम कुछ बना रहे हैं, लाइक आप मैगी बनाओगे तो आप कैटल में बना लोगे लेकिन खाओगे किसमें, तो इसलिए आप इस तरीके का कोई भी एक सामान ले जा सकते हैं अपने साथ। और इसी के साथ साथ आप ले जा सकते हैं इसका डिश वॉशर, जिससे कि आप इसको क्लीन करके आराम से रख सकें। और जब आप नए नए हॉस्टल में पहुंचते हैं, थोड़ा कमरा थोड़ा क्लीन नहीं रहता है, तो आप अपने साथ कुछ ऐसे कपड़े ले जाइएगा जो आपके यूज़ के नहीं है, जिससे कि आप सफाई करके उस कपड़े को हटा दें। तो इस तरीके की आप क्लॉथ ले जाइए, और आप ले जाइएगा न्यूज़पेपर, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम जाते हैं तो न्यूज़पेपर बिछा कर अच्छे से कवर्ड में कपड़े रख सकते हैं, या फिर न्यूज़पेपर को आप किसी और चीज़ से अल्टरनेट करना चाहते हैं तो आप वो भी ले जा सकते हैं। और जब आप हॉस्टल में एक या दो हफ्ते रहेंगे तो आपको खुद ही आइडिया लग जाने वाला है कि मुझे अब और किस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है। और अभी रेनी सीज़न आने वाला है, तो आप अपने साथ ले जाइएगा एक अम्ब्रेला, या फिर आपके पास रेन कोट हो तो आप रेन कोट भी ले जा सकते हैं। तो अगर आपको और किसी को लग रहा हो कि इस वीडियो में और भी आइटम्स की ज़रूरत थी, लेकिन मैंने सोचा था कि ये वीडियो मैं बजट फ्रेंडली बनाने वाली हूँ, जिससे कि
सभी प्रकार के लोग, सभी प्रकार का सामान थोड़ा थोड़ा ले जा सके। और भाई प्लीज़ अपने आप में यहाँ से स्नैक्स ज़रूर लेके आना, क्योंकि जब स्टार्टिंग में हम हॉस्टल में आते हैं तो एक फूड ही ऐसा चीज़ होती है जो हमें एक दूसरे से कनेक्ट कर देती है। लाइक आप दूसरे स्टेट से आने वाले हो, मैं दूसरे स्टेट से आने वाली हूँ, मेरे जो फूड होगा मैं जब आपको वो खिलाऊंगी तो आपको कैसा लगने वाला है और मुझे कैसा लगेगा, तो ये हमारी फ्रेंड्स को थोड़ा बराबर देता है। और अच्छे से रहना अपने दोस्तों के साथ, अपने दोस्त अच्छे बनाना और पढ़ाई करना अच्छे से। अगर आप वीडियो में कोई भी कमी लग रही हो तो आप भी इस सेक्शन में बता सकते हैं कि ये भी आप ले जा सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय दोस्तों, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय। I look at you and it's easy to see you are that someone I've been trying to